is Kaartik Gupta. I am a clinical psychologist at AKG's OVIHAMS Medical Centers. आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे. डिप्रेशन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें उसमें लगभग हर चार में से एक इंसान को क्लिनिकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम है. डिप्रेशन बहुत कॉमन यूज होने वाला वर्ड है. सो आई थिंक सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम एग्जैक्टली समझ लें कि डिप्रेशन होता क्या है. हम सभी को कभी ना कभी लो फील होता है या सैड फील होता है, बट फिर कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद वो चीज़ हमें हमारा मूड ठीक हो जाता है. जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं तो इसमें मेन तीन फीचर्स होते हैं, मेन तीन सिम्टम्स होते हैं, जिसका जो सिम्टम्स होते हैं कि लो मूड होता है, लॉस ऑफ प्लेजर होता है, जो पहले की आपको चीज़ें अच्छी लगती थी या इन्जॉय करते थे, और ईजी फटीगेबिलिटी होती है, मतलब बिना ज़्यादा काम करे हुए भी इंसान को थकान महसूस होती है. ये सारे लक्षण कम से कम दो हफ्ते के लिए परसिस्ट करते हैं और वो अक्रॉस टाइम और अक्रॉस सिचुएशन रहते हैं, तो वो परसिस्टेंट और परवेसिव होते हैं. इनके अलावा किसी भी व्यक्ति की अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन में इसका इफेक्ट आने लगता है. उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी है या लिबिडो है उसमें कमी महसूस होने लगती है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और कई केसेस में अगर डिप्रेशन सिवियर होने लगे या प्रॉब्लम बढ़ने लगे तो इवन सेल्फ हार्म या सुसाइडल टेंडेंसीज या सुसाइडल बिहेवियर भी हमें दिखने लगता है. तो ये बेसिकली क्लिनिकल डिप्रेशन की एक पिक्चर होती है. हम जिस तरीके से आमतौर पे कॉमनली यूज करते हैं कि मैं डिप्रेशन में था, मुझे डिप्रेशन हो गया था, वो दो तीन दिन का मूड होता है, वो एक्चुअली क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होता है. तो आई थिंक ये सबसे ज़रूरी है हम सबको समझने के लिए. अगर हम इसके कारणों की बात करें कि व्हाट कॉजेस डिप्रेशन, लाइक एनी अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स होते हैं जो जिसकी वजह से क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं. अगर परिवार में किसी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है तो उस व्यक्ति को होने की टेंडेंसीज बढ़ जाती है, जैसे कि किसी भी और बीमारी में होता है, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो. इसी तरह ये भी हेरिडिटरी हो सकती है. दूसरा, कुछ हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं. उन्हीं में से एक केमिकल होता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, जिसको हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है. स्टडीज ने दिखाया है कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उसमें उन लोगों में सेरोटोनिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से हमारा मूड लो होने लगता है, हमारी बाकी फंक्शन पे भी अफेक्ट आने लगता है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है या चीज़ों को देखने का नज़रिया है, अगर वो काफ़ी नेगेटिव है और हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है कि अगर हम कोई व्यक्ति है जो बहुत नेगेटिव आउटलुक रखता है या पेसिमिस्टिक है, हर चीज़ में प्रॉब्लम देखता है, उन लोगों को डिप्रेशन होने की टेंडेंसीज भी बढ़ जाती है कंपेयर टू समवन हु हैज एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू टुवर्ड्स लाइफ. सोशल फैक्टर्स में अगर किसी तरह का तनाव महसूस होता है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जैसे किसी की जॉब छूट जाती है या कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है या कोई और तरीके का स्ट्रेस आता है, तो उस वजह से भी अपने आप ये क्लिनिकल डिप्रेशन का एपिसोड इनिशिएट हो सकता है या ट्रिगर हो सकता है. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, मेडिकेशंस होती हैं जिसमें साइकैट्रिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन भी होती हैं जो साइकैट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं. होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो काफ़ी इफेक्टिव हैं डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो साइकोथेरेपी है, जिसको टॉक थेरेपी भी बोला जाता है या कॉमन भाषा में काउंसलिंग से भी लोग इसको जानते हैं. इसमें जो पेशेंट होता है वो एक प्रोफेशनल के पास आते हैं या साइकोथेरेपिस्ट के पास आके अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है. तो थ्रू CBT, विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थेरेपी विच इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद डिप्रेशन, यहाँ पे जो उनका सोचने का तरीका होता है या उनके जो इमोशंस की हैंडलिंग होती है, उस चीज़ पे काम किया जाता है कि कैसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, कैसे उनका जो सोचने का तरीका है उसको और उनके लिए इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जिससे उनकी फंक्शनिंग बेटर हो सके और दे कैन स्टार्ट फीलिंग वेल, दे कैन स्टार्ट फंक्शनिंग वेल एज दे वर डूइंग बिफोर द एपिसोड. इसके अलावा जो स्टडीज़ ने बताया कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी साइकोलॉजिकल इलनेस. तो इवन फॉर डिप्रेशन अगर कोई दवा, आप कोई भी मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉलो करते हैं उसके साथ में थेरेपी लेते हैं किसी इस्टेब्लिश्ड या लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, तो इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली हो सकता है.
डिप्रेशन एक ट्रीटेबल कंडीशन है. आजकल हम काफ़ी सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं जो इसके बारे में ओपन अप हो रहे हैं, काफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि लोगों में भी इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ गई है. एंड नाउ दे आर ओपन टू कम एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ दी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एनी अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. अगर आपको या आपके किसी परिवारजन में ये सारे लक्षण आपको नज़र आते हैं या अपने आप में महसूस होते हैं, तो आप हमारे एकीजीज ओवीहम्स मेडिकल सेंटर्स में आके कंसल्टेशन ले सकते हैं. दिल्ली में हमारे 3 सेंटर्स हैं, एक पीतमपुरा, एक रजौरी गार्डन और एक सत्यनिकेतन मोतीबाग में. तो आप हमारे पास आके होम्योपैथिक प्लस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट कर सकते हैं.